हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्फा इंस्टीट्यूट पर। तो कैसे हो आप सभी लोग, एक बार बता दो हालचाल, बढ़िया कि नहीं? और तुम लोग की तैयारी कैसे चल रही है, पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, तो बताओ फटाक से। तो और अपने जो दोस्त दोस्त हैं तो उन सबको बुला लो, ठीक है? आज का देखो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 12th के मैथ का, ठीक है, मैथ के जो पिछले 10 साल में, ठीक है, बोल सकते हो कि जो 2010 से लेकर 2023 तक जितने भी सारे प्रीवियस ईयर जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हैं उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो बार बार एग्जाम में आए हुए हैं, उन सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। और उम्मीद करेंगे कि सभी लोग ट्राई करेगा और क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, बताएगा कि इसका आंसर कितना आएगा, जिससे पता चलेगा कि तुम लोग की तैयारी कितनी अच्छी है और तुम लोग अपने बोर्ड एग्जाम में कितना अच्छा स्कोर कर पाओगे। क्लियर है? और देखो जो भी नए स्टूडेंट है जिनको लगता है कि सर अभी से हमको पढ़ना स्टार्ट करना है, हम लोग पीछे नहीं पढ़ पाए हैं, तो वो सभी लोग से देखो ये कहेंगे तो कि शिखर बैच 2.0 है, ये न्यू बैच है, ये शिखर बैच, ठीक है, शिखर बैच 2.0 न्यू बैच है। इस बैच में देखो तुम्हें हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है, चैप्टर 1 से पूरी तैयारी करवाई जा रही है। ये जस्ट बैच अभी लॉन्च हुआ है, तो इस बैच को तुम ज्वाइन कर सकते हो और हमारे साथ पढ़ सकते हो, ठीक है। बस पीछे का छोड़ दो, अभी से स्टार्ट कर दो, इधर उधर घूमना भी छोड़ दो, इस चैनल उस चैनल पे जाना भी छोड़ दो, बस एक चैनल पे रुको और ये सब कुछ तुम्हें मिलेगा। और अगर तुम चीजों को अच्छे से पढ़ना चाहते हो, तुम बेहतरीन तरीके से, तो इस बैच को जरूर ज्वाइन करना है। तुमको इस बैच में हर एक चीज मिलेगी। इस बैच में देखो तुम्हें डेली लाइव क्लास मिलेगा, लाइव डॉट क्लास मिलेगा, क्लास नोट का पीडीएफ मिलेगा, वीकली ऑनलाइन टेस्ट होगा, मतलब जो भी एक चैप्टर में पढ़ा जाएगा, मतलब एक वीक में उन सबका पूरा एक साथ कंबाइन टेस्ट होगा। और स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, मतलब हर एक चैप्टर का जो भी चैप्टर पढ़ा जाएगा उसका बुकलेट मिलेगा। तुम्हें सिंगल कोई भी एक सिंगल बुक नहीं खरीदना पड़ेगा, हर एक चीज तुमको प्रॉपर में मिल जाएगी। देखो सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, उसके बाद कंप्लीट तो होगा ही होगा, क्यों कंप्लीट नहीं हुआ, कंप्लीट होगा ही होगा। और उसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्न, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर और पिछले 5 साल का जो पेपर होगा वो सब सारा दिया जाएगा और सॉल्व कराया जाएगा, जिससे तुम्हारी तैयारी एकदम बेहतरीन हो जाए, ठीक है। अभी भी टाइम बहुत है, अगर पढ़ना चाहोगे तो ये टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इसका यूज कर लो, ठीक है, चलो। और अगर कुछ जानकारी चाहिए, नंबर है देखो 930-577-1375, इस नंबर पर कॉल करके तुम्हें जो भी पूछना होगा, जो भी जानना होगा, इस नंबर पर कॉल करोगे, हर एक जानकारी तुम्हें मिल जाएगी, ठीक है। बाकी देखो क्लास जल्दी स्टार्ट होने वाली है, तो अगर क्लास अभी से तुम नहीं ज्वाइन करोगे, क्लास स्टार्ट हो जाएगी तो क्लास मिस हो जाएगी, तो फिर से तुम उसको कवर नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसलिए देखो ये उन बच्चों के लिए है जो एकदम नहीं पढ़े अभी तक, अभी से अगर पढ़ाई स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो इस बैच को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। क्लियर? चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन से। देखो हमारा पहला क्वेश्चन है, बोला है कि tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y बराबर पाई बाय 2, तो x इनटू y का मान ज्ञात कीजिए। ये सिंपल फार्मूला है, ये क्वेश्चन है, तुम्हें इसका आंसर बताना है। अब देखो इन सब का आंसर तो याद होना चाहिए, हम देखो यही कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तुम हर एक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो और एक क्वेश्चन कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का देखते ही माइंड में तुम्हारे आंसर आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उसको हमको केवल 1 मिनट लगना चाहिए, 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन केवल 1 मिनट, इतना फास्ट होना चाहिए तुम्हारा रिएक्शन। इस क्वेश्चन को देखे याद होगा कि हाँ x into y बराबर 1 हो जाएगा, काम खत्म, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, ऐसे सबका आंसर एकदम लर्न होना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर 100 क्वेश्चन है, मतलब 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, तो 50 में से 30 का तो आंसर याद रहे, बाकी 20 का भी लगभग याद ही रहे, बस थोड़ा सॉल्व करना रहे, इतना तुम्हें प्रैक्टिस कर लेना है। और ये प्रैक्टिस करवाया जाएगा, उस बैच में प्रैक्टिस करवाया जाएगा, फिर यूट्यूब पर तुम्हें प्रैक्टिस करवाया जाएगा, इतना प्रैक्टिस करवाया जाएगा तुम्हारा कुछ छूटेगा नहीं। बट ये है कि तुम्हें रेगुलर रहना पड़ेगा, अगर तुम रेगुलर रहोगे तभी ये चीजें मुमकिन हो पाएंगी, नहीं तो नहीं हो पाएंगी। अगर एक दिन क्लास लोगे, एक दिन छोड़ दोगे, तो क्लास मिस होगी, 20 का पोर्शन छूट जाएगा, तो समझ में नहीं आएगा क्या करे क्या नहीं करे ना। चलो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। कैसे आएगा? देखो लगा दो फॉर्मूला, अगर यहाँ लगाओगे tan इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला, तो क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y का 1 अपॉन x प्लस y, 1 माइनस x इनटू y होता है, बराबर कितना है, ये पाई बाय 2 लिखा है, इसी को सॉल्व कर लो। तो tan उधर जाएगा, अगर tan जाएगा उधर तो कितना बचेगा, tan 90, tan 90 का मान कितना होता है, इनफाइनाइट, tan 90 का मान कितना होता है, इनफाइनाइट। देखो ये बन जाएगा x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इनटू y हो जाएगा, बराबर कितना, tan 90, पता है ना, tan 90। अब देखो tan 90 का होता है इनफाइनाइट, अब इनफाइनाइट को कैसे लिखोगे, तो इनफाइनाइट को लिखने का तरीका है कि उसको लिखेंगे 1/0, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसका इससे, तो क्या मिलेगा, मिलेगा 0 बराबर 1 माइनस x इंटू वाई, तो यहां से मिल जाएगा 1 बराबर x इंटू वाई,
ठीक है, ये मिलेगा। अब इसका आंसर तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे सबको इसका आंसर याद भी होगा कि जब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर अगर एक होता है तो इन दोनों का जो मल्टीपल होता है ना वन होता है, ये याद होना चाहिए। इन दोनों का मल्टीपल हमेशा वन होता है जब इसका एंगल पाई बाय टू होता है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, इसका आंसर बताओ। बोला समुच्चय a 1 2 3 है द्वारा परिभाषित संबंध जो ये है, ये संबंध कैसा है, स्वतुल है, सममित, संक्रामक, कैसा है बताना है, बताओ। ठीक है, स्वतुल में क्या होता है, सेम टू सेम होना चाहिए, तो उसमें सेम टू सेम तो है नहीं। सममित में उल्टा होना चाहिए, उल्टा भी नहीं है, ठीक है। संक्रामक में संक्रामक होना चाहिए, पेयर मतलब अगुआ, 1 2 तो 2 3, देखो 1 2 तो 2 3 इसमें है या नहीं है, पता है ना कि अगर ए से बी तो बी से सी होना चाहिए, अगर ए बी बी सी होगा तभी जाके हम लोग उसमें ए बी का पेयर खोजते हैं। तो इसमें ए बी बी सी पहले खोजो, तो ए बी बी पे खत्म हुआ ना 2 पे, तो 2 पे शुरू होने वाला कोई है या नहीं है, तो छोड़ दोगे। 1 3 मतलब ए बी 3 3 आ गया, 3 अगुआ है, बताते ना अगुआ कॉन्सेप्ट याद है कि नहीं, अगर नहीं याद है तो बहुत लोचा है, अब याद कर लो हीरो। अब देखो टाइम बहुत कम बचा है, अगर अभी भी अगर तुम्हें अगुआ वाला कहानी नहीं याद है तो जाओ देखो उस कहानी को समझो ना, क्योंकि कहानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे नहीं कर सकते। तो देखो इसमें ए बी बी सी है ये नहीं है तो छोड़ो, इसका मतलब संक्रामक है ये, बस ये बताओ इसका आंसर कौन बताएगा। बोला है सारलिक है, सारलिक का मान पूछा कितना होगा, एकदम फटाक से गोली की रफ्तार बताना है, ठीक है। देखो कभी तुमको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जब तुम्हें दिखे डिफरेंस सेम है, देखो 2001 2000 ऐसे एक एक का डिफरेंस है, एक 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 का डिफरेंस है, यहां से एक का डिफरेंस, यहां से एक का डिफरेंस, यहां से एक का, यहां से एक का, एक एक का डिफरेंस है ना। जब एक एक का डिफरेंस होता है तो सिंपल बोलते हैं कि इसका आंसर कितना जाएगा, जीरो, कितना आएगा आंसर, जीरो आएगा, ठीक है। चाहो तो कर सकते हो C2 - C1 कर दो और C3 - C2 कर दो, तो यहाँ पे 1 1 1 आएगा, 1 1 1 आएगा और आंसर हो जाएगा जीरो, एकदम सिंपल है, ठीक है। चलो ये बताओ, लिखा है टेन इनवर्स माइनस वन का मुख्य मान कितना होगा, तो टेन इनवर्स माइनस वन का मुख्य मान कितना होगा, प्रॉपर्टी यूज कर लोगे कि अगर टेन में अंदर होता है माइनस तो आ जाएगा माइनस बाहर, अगर टेन इनवर्स माइनस वन लिखा है तो पता है ना इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, सर ये आ जाएगा बाहर। टेन में कितने अंश का मान एक होता है, आई थिंक सबको आना चाहिए, ठीक है, मतलब साइन का कॉस का टेन का तो मान सबको एकदम रटा होना चाहिए, ठीक है, एकदम जुबा पे बोलो जुबा, टेन एंगल का मान 1 π/4 आ जाएगा माइनस में। चलो ये बताओ, अब देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिंपल क्वेश्चन इतना, अरे सिंपल क्वेश्चन आता है, बताया ना कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में यार 80% क्वेश्चन, मतलब सोच लो कि यार 70% क्वेश्चन तो एकदम इजी होते हैं, इतना इजी होते हैं कि अगर तुम अपने क्लास में रेगुलर गए हो, ठीक है, अगर तुम डेली क्लास लिए हो, डेली जो बैच चल रहा है अगर उस बैच में अगर तुम डेली क्लास लिए हो, डेली क्लास लिए हो, तो 70 से 80% क्वेश्चन तो ऐसे तुम्हारा बन जाएगा, बस एक भी क्लास मिस नहीं किए होगे तब, भले तुम घर में प्रैक्टिस किए हो नहीं किए हो, अगर तुम रेगुलर क्लास लिए हो तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, 70% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इतना इजी होते हैं, इतने इजी होते हैं कि जो लड़का रेगुलर क्लास लिया हो वो 100% उसे कर लेगा। अब बता, इसने पूछा इसका क्रम क्या होगा, क्रम मतलब क्या होता है, कोटि, कोटि का मतलब क्या होता है सर, पंक्ति गुणे स्तंभ, पहले पंक्ति फिर स्तंभ, इसमें कितनी पंक्ति है, देखो एक पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति, 3 पंक्ति है, 1 2 3 4 चार स्तंभ है, तो 3 पंक्ति 4 स्तंभ क्या बोलोगे, 3 पंक्ति 4 स्तंभ जो भैया, 3 पंक्ति 4 स्तंभ हो गया। अब इसका आंसर कौन बताएगा, चलो अब बोला है कि यदि 1 2 3 हो तो ऐसे संबंध जिनमें अब जो 1 2 और 1 3 हो तो, और जो स्वतुल्य है तथा सममित है किंतु संक्रामक नहीं है, कि संख्या होगी, मतलब एक समुच्चय ए दिया है, इस समुच्चय ए पर एक संबंध आर ऐसा परिभाषित करो जिसमें 1 2 और 1 3 आए, 1 2 और 1 3 आए, तो वो संबंध होना चाहिए ना, वो स्वतुल्य होना चाहिए और सममित होना चाहिए, लेकिन संक्रामक नहीं होना चाहिए। तो क्या करोगे, स्वतुल्य मतलब क्या, उसमें 1 1 2 2 3 3 रहेगा, और उसमें तुम्हें 1 2 शामिल करना है और 1 3 को शामिल करना है, तो जाहिर सी बात है अगर 1 2 को शामिल करेंगे तो उसका उल्टा 1 3 शामिल, 2 1 शामिल करना पड़ेगा, 1 3 का उल्टा 3 1 होगा, तो ऐसा संबंध केवल एक बनेगा, ठीक है। अगर मेरे लेक्चर को तुम देखे होगे
चैप्टर फर्स्ट का जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसमें इसको डिटेल से डिस्कस किए कि कैसे हुआ है। तो जाके चैप्टर फर्स्ट का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है या मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, वीडियो पूरा बना होगा, जाके क्लिक करके देख सकते हो कि हाँ ये कैसे होता है। उसमें बाकायदा पूरा रीजन देके बताएं, पूरा सॉल्व करके बताएं। यहां पे इसका आंसर कितना होगा, 1 होगा। ये बताओ, बोला है कि यदि ए 2 कोटि का व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स का मान कितना आएगा, बताओ। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स बताओ कितना आएगा। अगर हम ए इनवर्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं तो कितना आता है, ये सिंपल फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बताए हैं, इस फॉर्मूले को भी प्रूफ करवाए हैं। जब तुम लोग सारलिक चैप्टर देखोगे तो सारलिक चैप्टर में हम ये क्वेश्चन प्रूफ करवाए हैं। देखो चैप्टर 4 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन सब बताए, सब तुम चाहो तो देख सकते हो, और 1 से लेकर 4 तक बताए, सब कुछ देखोगे। बट ये अगर तुम रेगुलर रहे होगे तो ये सब सारे क्वेश्चन तुमको आ रहे होंगे, दिमाग में छप गए होंगे, ठीक है। और हम बोले ना कि तुम्हें एक क्वेश्चन कम से कम 4 से 5 बार रख लेना है, एकदम रट लेना है, ठीक है। और कम से कम 2 बार तुम्हें लिखना है, 2 से 3 बार लिखना है, और देखना तो कम से कम 5-6 बार है। इतनी बार अगर देखो हीरो तुम लोग कर लोगे, हीरोइन लोग भी, अगर तुम सभी लोग ऐसे कर लोगे तो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, मतलब सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो बस ए इनवर्स है ना, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स कौन होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ 1/ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये होता है, ठीक है। तो 1/ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सही है सबका, चलो उम्मीद करेंगे सबका सही होगा। ये बताओ, अब ये क्वेश्चन बताओ, देखिए कितने लोग देते हो आंसर सही। ये क्वेश्चन भी करवाया गया है, इसको भी एक्सप्लेन किया गया है, बताया गया है, समझाया गया कि हाँ कैसे होता है ये, बता दो कैसे होगा। बोला यदि ए बराबर 1, 2, 3 है, ठीक है, तो 1, 2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या कितनी होगी, तुल्यता संबंधों की संख्या कितनी होगी, जल्दी से। देखो 1, 2 को शामिल करते हुए जो तुल्यता संबंध बनेंगे, पहले तो 1, 2 बनेगा छोटा वाला, 1 बड़ा बना, कुल 2 बनता है। अब बोलो सर कैसे छोटा कैसे बड़ा, याद करो जाके देखो लेक्चर यार, चैप्टर फर्स्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्लिक करो जाओ देखो कि कैसे 2 होता है। देखो जितने लड़के आंसर कमेंट कर रहे हैं, जितने लड़के आंसर कमेंट कर रहे हैं, जो जान रहे हैं उनसे पूछो कि कैसे जान रहे हैं, ठीक है ना, पूछो मतलब बेइज्जती हो जाएगा, तुम जाके पढ़ लो अपना, ठीक है। इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, अभी भी टाइम है, बस ये है कि यार जितना कम टाइम, मतलब जितने कम समय में तुम जितना ज्यादा पढ़ लोगे आगे तुम्हें उतना ही अच्छा लगेगा, मतलब आगे तुम्हें उतना ही मजा आएगा, ठीक है। चलो ये बताओ, बोला है कॉट टैन इनवर्स √3 का मान कितना होगा, बताओ। चलो बताओ, देखो अब कोई कहेगा नहीं सर इसको पूरा सॉल्व कर, देखो पूरा सॉल्व नहीं करवाएंगे, जिसको उसका पूरा सॉल्यूशन देखना है एक बार जाके उस क्लास में देख सकता है कि चैप्टर फर्स्ट में मिल जाएगा, तो तुम्हें चैप्टर फर्स्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सीरीज में वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आया होगा, उसे हम करवाए होंगे और करवाए हैं वो क्वेश्चन, जाके देख सकते हो हीरो, ठीक है। देखो ये कॉट है, ये टैन है, तो भैया कॉट को बदल दो, मतलब टैन को बदल दो, इसको लिख दो कॉट। पता है ना अगर कॉट करेंगे तो ये 1/√3 हो जाएगा, उल्टा हो जाता है, फिर कॉट से कॉट कैंसिल होगा, आंसर कितना आएगा 1/√3 आ जाएगा। ये तो बहुत सिंपल था, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ये भी क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कहीं से उठाकर बस रख दिए, ये भी पेपर का ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम, जो पेपर में था वही उठाकर रख दिए, भैया ये आया इसको उठाकर रख दो, दिखा दो लड़कों की, देखो ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है, इतना इजी भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर इजी बनेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या ही कठिन बन सकता है, बताओ। लिखा है साइन इनवर्स साइन 5/4 का मुख्य मान कितना होगा, देखो पता है कि साइन का जो मान होता है -90 से +90 के बीच होता है, अगर तुम इसको काट दोगे तो देखो आंसर आएगा 5π/4, इतना आएगा, ठीक है। अगर 5π/4 आएगा तो इसका मान कितना होगा, तो π/4 का मान होता है 45 अंश, और 45 × 5 तो 5 × 20 लगभग 200 अंश आ जाएगा, तो 200 अंश जो हो गया ये तो साइन के रेंज से बाहर चला गया, तो इसको छोड़ देंगे, इसको कम करेंगे, कैसे कम करेंगे, देखो देखो कितना लिखा है 4 × 1 = 4, कितना लिखा है 5 लिखा है ना, देखो अगर 5 लिखा है
तो अगर तुम भाग दोगे तो चार एकम चार मतलब एक बार जाएगा, तो इसका मतलब एक पाई से काम हो जाएगा। लिखोगे साइन पाई प्लस पाई बाई फोर, ऐसे पता करते हैं आराम से, पता है कि नहीं। अगर पांच है तो चार से भाग करो, चार एकम चार मतलब एक पाई, मतलब एक जाएगा एक पाई प्लस में पाई बाई फोर। देखो सॉल्व करो कितना आएगा, अब बताओ साइन इनवर्स, देखो लिखा है ना साइन इनवर्स, साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा जाएगा तीसरे में, और तीसरे में होता है माइनस, तो आएगा माइनस में साइन थीटा। और पता है कि अगर साइन इनवर्स होता है, अगर ये माइनस में है तो माइनस बाहर चला आएगा, तो आंसर आएगा माइनस में पाई बाई फोर। ये प्रॉपर्टी पता है ना, अगर साइन इनवर्स माइनस थीटा होता है तो ये क्या होता है, माइनस बाहर चला आता है भैया, तो इसका माइनस आ जाएगा बाहर, फिर हो जाएगा साइन साइन भाग कटे, आंसर आ जाएगा पाई बाई फोर, और क्या। चलो ये बताओ, लिखा है साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई, तो y का मान क्या होगा। ठीक है, मतलब ये तुमसे उसका रेंज पूछ रहा है कि बताओ साइन इनवर्स x बराबर y, तो y का मान क्या होगा। y का मतलब साइन का रेंज, तो साइन का परिसर कितना होता है, डोमेन होता है माइनस वन से वन, रेंज कितना होता है माइनस पाई बाय टू से लेके प्लस पाई बाय टू तक होता है, होता है कि नहीं, माइनस पाई बाय टू से लेके प्लस पाई बाय टू तक होता है, और याद करो बड़ा ब्रैकेट होता है, याद आ रहा है, बड़ा ब्रैकेट होता है, बड़ा ब्रैकेट कहने का मतलब होता है बंद अंतराल, बंद अंतराल मतलब बराबर। तो y का मान होगा माइनस नब्बे से प्लस नब्बे के बीच, y का मान होगा माइनस नब्बे से प्लस नब्बे के बीच, जिसमें बराबर का साइन लगा रहेगा, तो वो ऑप्शन सही होगा। ये बताओ, ये तुम्हारे एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, और पता है कि एग्जाम्पल तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है और आना भी चाहिए। ये बताओ संबंध कैसा होगा, बोला है किसी समतल की, समतल लिखा है, किसी समतल की सभी सरल रेखाओं के समुच्चय R में लंब होने का संबंध कैसा होता है। बताओ अगर किसी समतल में दो रेखाएं मान लो है, मान लो कोई भी रेखा है, दो रेखाएं अगर आपस में लंब है, तो लंब होने का संबंध कैसा है, स्वतुल्य सममित संक्रामक कैसा है। स्वतुल्य में वही, स्वतुल्य में क्या होता है कि वही रिश्ता सेम टू सेम होना चाहिए, सममित में संक्रामक, बताओ कौन बताएगा इसका आंसर, स्वतुल होगा कि नहीं। देखो अगर x y पर लंब है तो x x पर लंब होगा, नहीं होगा तो स्वतुल तो होगा नहीं, अगर x y पर लंब है तो y x पर लंब होगा, सममित होगा। x y पर लंब है, y z पर लंब है, तो क्या z x पर लंब होगा, नहीं होगा, समांतर होगा, नहीं होगा, इसका मतलब ये केवल सममित होगा। ठीक है, याद करो, कुछ कुछ खोपड़ी में जोड़ डालो अपने, गजनी नहीं बनना है। ठीक है, जो चीज एक बार दो बार तुमको हम पढ़ा दिए, उसको तुम एक बार दो बार रिवाइज कर लो और उसको याद कर लो, एकदम रट लो। ठीक है, क्या होगा, सममित होगा। चलो ये बताओ इसका मान कितना आएगा, लिखा है साइन इनवर्स एक बटा दो का मुख्य मान होगा, बताओ साइन इनवर्स एक बटा दो का मुख्य मान कितना होगा, तेजी से बताओ साइन इनवर्स एक बटा दो का मुख्य मान कितना होगा। साइन इनवर्स एक बटा दो मतलब क्या भाई, कि भाई साइन में कितने अंश का मान एक बटा दो होता है, फटाक से बताओ आंसर, साइन में कितने अंश का मान एक बटा दो होता है, तो क्या बोलेंगे, साइन में 30 अंश का मान एक बटा दो होता है, तो 30 अंश को क्या बोलते हैं, पाई बाय सिक्स, ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। चलो ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये बताओ, बोला है कि tan इनवर्स x बराबर a, तो sec a का मान क्या होगा, बताओ अगर tan इनवर्स x बराबर a है तो sec a बराबर कितना होगा, बताओ sec a बराबर कितना होगा। अरे ट्रायंगल बनाओगे यार, सोचो ना ट्रायंगल बनाओगे, tan का मान दिया है x, ट्रायंगल बनाओ लंब बटे आधा, सोचो ना ऐसे उधर जाएगा तो कितना होगा, x बराबर हो जाएगा कितना tan a, इसके बटे कुछ नहीं मतलब एक, एक ट्रायंगल बना लो, ट्रायंगल बन गया, लंब हो जाएगा x, आधार हो गया एक, तो कर्ण कितना हो जाएगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, अब sec बराबर क्या होता है देख लो ऑप्शन में क्या होगा। अब अगर इसके बाद भी किसी को नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, जाने दो क्या बोलना है ना,
सेक बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, तो रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वन बटे में वन, तो रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वन बटे में वन मतलब ये ऑप्शन नंबर है। बहुत सही, वेरी गुड, ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही होगा। तो जिन जिन महारथियों का आंसर वन आया है वो महारथी सही है, आपके लिए तालियां, ठीक। दुनिया का सबसे खतरनाक सवाल, ठीक है, जो कि हर सेट में कहीं ना कहीं एक बार पूछ देता है, या एक दो साल बाद किसी न किसी सेट में पूछेगा, क्योंकि मेन सिंपल सा है, ठीक है। और बताया ना कि हर एक चैप्टर से एक सिंपल सा क्वेश्चन उठाता है, हर एक चैप्टर से एक सिंपल सा क्वेश्चन उठेगा जो तुम्हारे सामने पटक दिया जाएगा कि बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, और तुमको उस क्वेश्चन को उठाना है, गले लगाना है और उसका आंसर देना है बहुत प्यार से ना। देखो लिखा है, यदि ए आई जे बराबर एम क्रॉस एन एक वर्ग आव्यूह है तो क्या हो। पता है ना वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं, वर्ग आव्यूह सर ऐसा आव्यूह होता है जिसमें पंक्ति और स्तंभ क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर ये एम क्रॉस एन का है, मतलब इसमें एम पंक्ति एन स्तंभ है, और ये बोलता है कि एक वर्ग आव्यूह है, तो वर्ग आव्यूह की प्रॉपर्टी होती है जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान हो, तो एम बराबर एन, पंक्ति और स्तंभ की जो संख्या हो वो क्या होनी चाहिए, वो समान होनी चाहिए, ठीक है। चलो उम्मीद करेंगे सबका आंसर सही आया होगा। ये बताओ इसका आंसर कितना आएगा, बोला यदि एन ए, ए मतलब ए में अवयव संख्या, ये कैपिटल होगा यहां कैपिटल भी होगा, वो स्मॉल लिख दिया गया, डोंट बी कंफ्यूज, ठीक है। तो ए में अवयव है तीन और बी में अवयव है दो, तो ए क्रॉस बी में कुल कितने अवयव होंगे, ए क्रॉस बी में कुल कितने अवयव होंगे तुमको ये बताना है, बता दो। ए में तीन अवयव, बी में दो अवयव, ए क्रॉस बी में छह अवयव, अरे गुणा कर दो सिंपल सिंपल, ये किसको नहीं आएगा, किसको नहीं आएगा, ये जिसको नहीं आएगा भैया नहीं आएगा। चलो ये बताओ एक्स के पावर चार, अगर एक फलन एफ आर से आर में डिफाइन है, एफ एक्स बराबर एक्स के पावर चार द्वारा परिभाषित है, तब ये एफ कैसा होगा, एकाकी अच्छादक होगा, बहु एकाकी अच्छादक होगा, तीसरा ऑप्शन होगा एफ एकाकी है परंतु अच्छादक नहीं है, या चौथा ऑप्शन होगा एफ ना तो एकाकी है और न अच्छादक है। तो क्या लग रहा है इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तुमको पता है अगर एक्स के पावर चार है, तुमको दिख रहा है ना, अगर x के पावर चार है तो अगर हम एक का स्क्वायर करेंगे तो भी आंसर एक आएगा, और अगर माइनस एक का स्क्वायर करेंगे तो भी आंसर वह एक ही आएगा, ठीक है। मतलब दो मान पर, एक पर भी आंसर एक आएगा, माइनस एक पर भी आंसर कितना आएगा, एक आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, मतलब x के दो मान पर y का एक ही मान एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये एकाकी तो है नहीं, काम खत्म, एकाकी वाला काटो सर, एकाकी होगा नहीं करेगा, ठीक है। अच्छादक होगा कि नहीं, तो अच्छादक मतलब होता है जो दूसरा सेट होता है एक्स वाई में, तो दूसरे वाले सेट के सारे एलिमेंट का यूज होना चाहिए, दूसरे वाले सेट के सारे एलिमेंट का यूज होना चाहिए। तो क्या इस आर के सारे एलिमेंट का यूज होगा, तुम सोचो अगर हम इधर एक आर बनाए, इधर एक आर बनाए, तो इसका जितना भी सब पेयर बनेगा ये सब क्या होगा, ये सब प्लस वाली संख्या से मिलेगा ना, मतलब इधर के सारे नंबर माइनस या प्लस कुछ भी लोगे, इन सब का पेयर क्या होगा, केवल प्लस वाली संख्याओं के साथ होगा, तो जो माइनस वाली संख्या होंगी वो बच जाएंगे, तो ये अच्छादक भी नहीं है, तो बोलोगे ना तो एकाकी है ना तो अच्छादक है, बहुत सही डी होगा ऑप्शन, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते आगे, ये बताओ बोला समुच्चय ए बी सी में कुल कितने भिन्न संबंध परिभाषित किए जा सकते हैं, अगर एक संबंध है ए बी सी तो इसमें कुल कितने संबंध, संबंध की संख्या पूछ रही है, मतलब पूछ रहा है, पूछ रही नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो संबंध की संख्या कितनी हो जाएगी बता दो एक बार, ठीक है। तो संबंध की संख्या का फॉर्मूला पता है ना, संबंध की संख्या का फॉर्मूला होता है टू के पावर एम एन, ठीक है, संबंध की संख्या का फॉर्मूला होता है टू के पावर एम एन। अब एम और एन क्या होता है, एम और एन होता है कि जो मेरे पास सेट होंगे दो ठो, उन दोनों में अवयव की संख्या, यहां पर मेरे पास एक ही सेट है समुच्चय ए, तो समुच्चय ए में तीन अवयव है, तो भैया ए में तीन अवयव, ए में तीन अवयव मतलब ए का ए से बताना है, ए का ए में, ठीक है, तो इसमें भी तीन अवयव और इसमें भी तीन अवयव, तो एम का मान भी तीन और एन का मान भी तीन, बस ताली बजा दो अब और क्या।
फास्ट नहीं हो रहा है, ये बताओ तुम लोग को ये सब फास्ट तो नहीं लग रहा ना, इतना फास्ट तो चलेगा ही चलेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उम्मीद करेंगे तुम लोग पढ़े भी होगे तो थोड़ा तो फास्ट चलेगा ही, ठीक है। हर हर एक क्वेश्चन को बहुत ज्यादा डिटेल से बताने का कोई टाइम है नहीं, मतलब कोई उतना मोटिव है नहीं, बस ये है कि तुम लोग चीजों को देखो समझो, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो उसके लिए थोड़ा मेहनत करो, देखना उसका आंसर क्या होगा, अगर कोई डाउट है तो उस क्वेश्चन पर थोड़ा फोकस करना, ठीक है, उसको टाइम देना, उस चैप्टर को पढ़ना और उसको समझना कि कैसे, ठीक है। ये बताओ, बोला है साइन इनवर्स माइनस वन का मुख्य मान क्या होगा, साइन इनवर्स माइनस वन का मुख्य मान क्या हो जाएगा तुमको बताना है, साइन इनवर्स माइनस वन का मुख्य मान कितना होगा, ठीक है बताना है, ठीक है। पता है ना कि अगर सर साइन में अगर लिखा है माइनस इनवर्स भैया तो वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, बस इसको बाहर कर लो भैया, लो इसको बाहर कर लो, ठीक है लिख दो, अगर माइनस वन है तो बाहर आ जाएगा, हो जाएगा माइनस में साइन इनवर्स वन हो जाएगा। अब बता दो साइन में कितने अंश का मान एक होता है, साइन में कितने अंश का मान होता है, तो भैया साइन में 90 अंश का मान एक होता है, तो आंसर आ जाएगा माइनस में पाई बाई टू, कितना जाएगा माइनस में पाई बाई टू, ठीक है ना, सही है, बोलो भैया सबको सही लग रहा है ना, सब लोग आंसर सही कमेंट कर रहे हो, धोखेबाजी नहीं, सही से एकदम एकदम सही से बताना है, समझ ले रहे हो चीजों को ना, ठीक है। अगर देखो एक बार पढ़े होगे, अगर तुम चैप्टर को अगर एक बार पढ़े होगे तो गारंटी कि तुम्हें चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है, और आएंगी भी, क्योंकि बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, बहुत ज्यादा सिंपल होता है, इतना सिंपल को तुम उसको देख के उड़ा दोगे, समझोगे नहीं, फूंक दोगे, फूंक मारोगे उड़ के भाग जाएगा। चलो बताओ, बोला है 3x3 कोटि के ऐसे आव्यूहों की कुल कितनी संख्या होंगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टियां या तो जीरो या तो एक है। अब ये क्वेश्चन तो यार सबको रटा होगा एकदम जुबान पे, बताओ कितने लोग हो जो इसका आंसर गलत दोगे, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होंगे जो अभी तक जानते भी नहीं होंगे कि जीरो और एक प्रविष्टियां, प्रविष्टियां का मतलब क्या होता है, 3x3 का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए देखो अभी जस्ट न्यू बैच लॉन्च हुआ है शिखर, ठीक है, शिखर बैच 2.0, उस बैच को तुम ज्वाइन कर सकते हो, ये देखो अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड करके ये नंबर है, इस नंबर पे कॉल करके बात करके आराम ज्वाइन करके पढ़ सकते हो। अगर तुम्हें कुछ भी नहीं पता है हीरो तो अब स्टार्ट कर दो, चैप्टर फर्स्ट से अपनी तैयारी शुरू कर दो और ये 6 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो और लग जाओ अब, ठीक है, अब इधर उधर मत भागो, ठीक है, अब अपना टाइम कहीं और मत दो, अब अपना टाइम केवल खुद को दो, ठीक है, किसी और को टाइम देना है तो उस टाइम को फिक्स कर लो कि हाँ इतना ही देना है, ठीक है, अगर अधिक दोगे तो फिर तुम्हें प्रॉब्लम होगी आगे, ठीक है, समझे, अगर चाहते हो कि आगे प्रॉब्लम ना हो, सब आगे बढ़िया रहे अभी बढ़िया रहे, तो हर एक चीज का लिमिट बना लो और उस लिमिट के अकॉर्डिंग सब कुछ करो तो आगे सब बढ़िया होगा। चलो तो इसका आंसर कितना आएगा, 512, कितना आएगा 512, पता ना, अगर 3x3 है, सोचो अगर हम एक 3x3 का अव्यूह इमेजिन करेंगे कि चलो मेरे पास एक 3x3 का अव्यूह है तो इसमें कुल कितने अव्यय होंगे, मतलब स्थान, 1, 2, 3 स्थान, 1, 2, 3 स्थान, 1, 2, 3 स्थान, कुल 9 स्थान होंगे। अब देखो इन्हीं 9 स्थानों पे हमको या तो 0 या तो 1 भरना है, तो इसी भरने के तरीके को बोलते हैं ना कि जो पहला वाला स्थान है उसको हम दो प्रकार से भर सकते, दो प्रकार कैसे, क्योंकि मेरे पास दो एलिमेंट है, या तो 0 या तो 1, तो जो पहला वाला होगा यहाँ पे या तो 0 भरेंगे या तो 1 भरेंगे, यहाँ पर भी या तो 0 भरेंगे या तो 1 भरेंगे, यहाँ पर भी या तो 0 या तो 1, तो कुल आएगा मतलब दो प्रकार, यहाँ पर भी दो प्रकार से, यहाँ पर भी दो प्रकार से, दो प्रकार से, दो दो दो, दो प्रकार, दो प्रकार, दो प्रकार, तो कुल प्रकार कितना होगा, तो सबको गुणा करते हैं क्योंकि एक के बाद एक काम होता है, तो गुणा कर दोगे तो कुल आ जाएगा 512। चलो ये बताओ, ये तो यार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये लगभग हर बार पूछ देता है, ठीक है, जब से तुम्हारा एनसीईआरटी आया है तब से ये क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है कि भैया ए और बी का पेयर बनाओ, जहां पे ए क्या है, ए बराबर बी माइनस दो है और बी क्या है, 6 से बड़ा है, तो अगर बी 6 से बड़ा तो मान रखो, अगर बी 6 से बड़ा है तो रख दो कितना, 7 रख दो,
तो सात माइनस में कितना दो, तो ए का मान कितना आ जाएगा पांच, ए का मान पांच आया, बी का मान हम लोग कितना लिए सात, तो पेयर कितना बना पांच और सात का। अब देख लो ऑप्शन है पांच और सात है कि नहीं, क्योंकि जो ऑप्शन दिया होगा उसी में से हमको टिक करना है। और देखो सिंपल तुम समझ सकते हो कि देखो लिखा है ना ए बराबर बी माइनस दो, कि भैया ए का मान कितना होगा, तो ए का मान हमेशा बी से दो कम होगा, ए का मान जो ए का मान होगा वो हमेशा बी से दो कम होगा। अगर हम ए का मान सात लिए तो सॉरी बी का मान सात लिए तो ए का मान पांच आएगा, ठीक है। अगर हम बी का मान आठ लिए, बी का मान आठ लिए तो ए का मान कितना आएगा छह आएगा। अगर तुम बी का मान आठ लोगे तो ए का मान कितना आएगा छह आएगा, ठीक है। अब देख लो आठ और छह है कि नहीं, तो आठ और छह तो है, तो ये आंसर होगा, ठीक है। आंसर ये भी सही है, बट ये वाला जो है इस ऑप्शन में बिलोंग नहीं करता, इस ऑप्शन में कहीं है नहीं। अगर इस ऑप्शन में पांच और सात होता तो पांच और सात टिक करता ना। आप बहुत लोग सोचेंगे सर दोनों होता था, भैया अगर दोनों होता तो तुम समझ जाना कि तुम ही बोर्ड का एग्जाम देने गए हो और पूरे एग्जाम हॉल में तुम ही अकेले बैठे हो, एकदम अकेले बैठे हो, तुम्हारे लिए अलग से पेपर बनाया है जिसमें दोनों ऑप्शन है, ठीक है, समझे। तो ऐसा नहीं होगा कि दोनों ऑप्शन आएगा, एक ही रहेगा, बस ये कि तुमको अपना तरीका फॉलो करना है कि भैया बी का मान छह से बड़ा रखना है तो पांच छह से बड़ा सात रखोगे, अगर सात रखेंगे तो पांच और सात का पेयर बनेगा, जो कि पांच और छह, पांच और सात क्या है जो कि भैया इनवैलिड भी, मतलब भैया नहीं है तो छोड़ दोगे। उसके बाद आठ रखोगे, आठ रखने पर कितना आएगा दो आएगा, तो दो पे चेक कर लोगे, ठीक है। तो जो ऑप्शन होगा बस उसको टिक करोगे, आगे बढ़ोगे, समझे कि नहीं, सिंपली आएगा। चलो इसका बताओ, बताओ इसका आंसर कितना आएगा। अब इसका आंसर सही से देना, क्योंकि ये क्वेश्चन भी कई बार करवाए हैं और इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया क्या कैसे होता है, ठीक है। इस सारणिक का मान निकालना है और सारणिक का मान तुमको बताना है कि बताओ कितना आएगा, जो डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान आएगा कितना से कितना आएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, बताओ कौन सा ऑप्शन लॉक किया जाए, कौन सा ऑप्शन लॉक किया जाए, तुम लोग बता दो एक बार जल्दी से फटाक से बताओ कौन सा ऑप्शन लॉक करे भैया, ठीक है। पता है ना, देखो जब तुम इसका प्रसार करोगे तो जब इसको सॉल्व करोगे तो बोलोगे डिटरमिनेंट ऑफ ए, देखो इसको इसको जोड़ोगे देखो यहां हो जाएगा जीरो, इसको इसको जोड़ोगे देखो यहां हो जाएगा जीरो, इसको इसको जोड़ोगे देखो, अरे भैया समझ आया कि नहीं, और बाकी सब तो सेम रहेगा, क्या रहेगा माइनस में साइन थीटा और फिर ये वन और ये फिर साइन थीटा, और क्या बचेगा माइनस वन माइनस में साइन थीटा और फिर ये वन, इतना आएगा। अब इसमें प्रसार कर दो, प्रसार करके अगर मान निकालोगे तो कितना आएगा, कुछ कुछ याद आ रहा है, अगर तुम लोग को कुछ कुछ याद आ रहा है तो बता दो आंसर। अब कर सकते हो, अब प्रसार कर लो, जो टू दिख रहा है इस टू का भैया प्रसार करो, अगर टू का प्रसार करोगे तो क्या मिलेगा, ध्यान देना, मिलेगा सर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू टू हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर, देखो इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस वन तो प्लस वन हो जाएगा, आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस वन आएगा, ये आंसर आएगा। अब तुम्हें इसी का मन बताना है कि इसका मन भैया कहां से कहां तक वेरी करेगा, कहां से कहां तक घूमेगा, ठीक। तो इसके लिए बताते हैं न्यूनतम और उच्चतम मान। सोचो अगर साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन थीटा का जो न्यूनतम मान होता है जीरो, मतलब जो साइन स्क्वायर थीटा होता है इसका अगर न्यूनतम मान बात करें तो न्यूनतम मान होगा जीरो, क्योंकि अगर तुम दुनिया में कोई भी नंबर लो, ठीक है, ठीक है, देखो साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है ना, अगर ये साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है, अगर ये साइन स्क्वायर थीटा है तो बताइए कि जो साइन स्क्वायर थीटा का जो न्यूनतम मान होगा जीरो होगा, अधिकतम कितना जाएगा एक जाएगा, तो इसका न्यूनतम मान जीरो, अगर तुम रखोगे यहां पे जीरो तो जीरो प्लस एक हो जाएगा एक, दो गुड़े एक आ जाएगा दो, अधिकतम मान कितना होता है एक, तो एक प्लस एक दो आ जाएगा दो, तो मतलब आंसर आएगा दो से चार। अब कैसे हुआ जाके दिमाग लगा सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है, दो से चार आएगा, ठीक है। अब बहुत लोग दिमाग में सर साइन का जो न्यूनतम मान तो माइनस एक से एक होता है, देखो साइन का मान होता है माइनस एक से, ठीक है, लेकिन अगर बात करें स्क्वायर का तो किसी भी नंबर के स्क्वायर जब अगर हम करते हैं तो स्क्वायर कम से कम होता है जीरो, अधिकतम तो कहां तक जाएगा पता नहीं। तो जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा का मान माइनस एक से एक तक तो होता है, लेकिन अगर तुम उसका स्क्वायर कर दोगे तो अधिकतम मान एक, एक का स्क्वायर एक होगा, अधिकतम मान तो एक रहेगा,
जो न्यूनतम मान होगा, न्यूनतम मान साइन स्क्वायर थीटा का मान जीरो होगा, जीरो से लेके एक तक। तो न्यूनतम मान जीरो, अधिकतम मान एक। तो एक बार रखोगे यहां पे जीरो, एक बार रखोगे यहां पे एक, तो आंसर आएगा दो से चार। ठीक है, चलो ये बताओ, अब ये क्वेश्चन करके बताओ इसमें इसका आंसर कितना आएगा। लिखा है टैन इनवर्स एक्स, और देखो एक्स के पावर माइनस वन है, बराबर लिखा है कॉट इनवर्स चार बटे एक्स। तो बताना इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, एक्स का मान पूछा है, बता दो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी देखो करवाया गया है, उम्मीद करेंगे कर लोगे, कैसे करोगे और सबका आंसर सही आना भी चाहिए। देखो ये हो जाएगा वन बाई एक्स, और ये जो कॉट है ना, इस कॉट को टेन में चेंज करो, क्योंकि अगर दोनों साइड जब सेम टू सेम होगा तभी ना कैंसिल होगा। तो इधर कर दो भैया, अगर इधर तुम टेन करोगे तो ये उल्टा हो जाएगा। लो बताओ अब क्या हो जाएगा, एक बटा एक्स से अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर चार। अब देख लो एक्स का मान कितना आएगा, अब इसको तो कर सकते हो भैया, इतने तो समझदार हो गया ना कि अगर एक्स स्क्वायर बराबर चार होगा तो एक्स बराबर कितना होगा बता दो, पहला दूसरा तीसरा चौथा, कौन सा ऑप्शन लॉक किया जाए बताओ, कौन सा ऑप्शन लॉक किया जाए, पहला दूसरा या फिर तीसरा या चौथा। चलो बहुत सही, पहला लॉक किया जाए यार, सब लोग पहला दिए हो ना। हाँ कोई खतरनाक इंसान तेन मत बन जाना कि सर जी दो होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स वेरिएबल है तो वहां पे प्लस माइनस दो दोनों कंसिडर करेंगे, दोनों लेंगे। चलो अब इसका आंसर बताओ, लिखा है कॉस इनवर्स कॉस सेवन पाई बाई सिक्स। ठीक है, तो को इसके लिए बताया था जब भी तुम कॉस के लिए सॉल्व करना ना, तो कॉस के केस में मतलब टू पाई का यूज करना, क्योंकि अगर तुम कॉस के लिए टू पाई का यूज करोगे तो अगर हम टू पाई प्लस थीटा करेंगे तो भी जाएंगे पहले में, और पहले में कॉस प्लस होता है, और अगर टू पाई माइनस करेंगे थीटा तो भी आएंगे चौथे में, चौथे में कॉस प्लस होता है। तो जो कॉस के साथ जो भी एंगल लिखा रहा है उसको टू पाई के साथ ही ब्रेक करना, ठीक है, इससे थोड़ा इजी रहता है, बस ये बात। ठीक है, बाकी तुम पाई से भी कर सकते हो कि छः कम छः होगा तो पाई प्लस पाई बाई सिक्स लिख दीजिए, वैसे भी कर सकते हो, वैसे भी आंसर वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन ऐसे थोड़ा सा एक स्टेप कम हो जाएगा, सिंपल भी हो जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं, तो बस ऐसे ही करना। अब देखो अगर इसे डायरेक्ट काट दोगे तो आंसर कितना आएगा, सेवन पाई बाई सिक्स। क्या सेवन पाई बाई सिक्स कॉस के रेंज में बिलोंग करता है, देखो सेवन पाई बाई सिक्स कहने का मतलब होता है कि पाई बाई सिक्स का मतलब होता है 30 अंश, और सात तरीके 21 210 अंश हो जाएगा। जो कॉस का जो रेंज होता है वो तो 0 से 180 तक होता है, इसका तो 210 आ रहा है, मतलब गलत है, तो इसको कम करना पड़ेगा, कुछ समझाना पड़ेगा, समझाते हैं इसको। आओ लिखेंगे कॉस इनवर्स, ठीक है, बस इसको ब्रेक कर लो। अब कैसे ब्रेक करोगे, जो लिखा है ना सात पाई बटे छः, दो तो लिखोगे, देखो यहाँ पे लिख दोगे टू पाई, यहाँ लिखोगे माइनस, यहाँ बटे में छः, तो छः दुना बारह मतलब सर पाँच पाई घटा देंगे, बस हो गया, क्या दिक्कत है। देखो अब ऐसा देखो इसलिए क्यों किए, क्योंकि अगर टू पाई माइनस थीटा होता है, मतलब 360 माइनस थीटा होता है भैया, थीटा मतलब कॉस थीटा प्लस में आएगा, तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि कॉस इनवर्स इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस पाई पाई बाई सिक्स, बस अब कॉस से कॉस भाग कटे हो जाएगा, पाई बाई सिक्स आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है, वैसे पाई से भी कर सकते हो कि हाँ पाई प्लस दिस करोगे तो आएगा माइनस में, फिर तुम उसको प्लस में लेके जाओगे फिर करोगे तो वैसे एक स्टेप बढ़ जाएगा, बस ऐसे तुम्हारा एकदम सिंपल से दो लाइन में आंसर आ जाएगा। इसीलिए बोले ना कि जो भी एंगल दिया हो उसको टू पाई के टर्म में मतलब उसको ब्रेक करना, बस ऐसे तो आ जाएगा। ठीक है, चलो समझ में आया ना, बढ़िया। अब इसका आंसर बता दो, इसका आंसर कितना आ जाएगा बताओ। लिखा है साइन पाई बाई थ्री माइनस में साइन इनवर्स, माइनस में एक बटा दो है बबुआ, सही बताना तुमको, गलती नहीं करना है, बताओ कितना आएगा साइन पाई बाई थ्री माइनस में साइन इनवर्स वन बाई थ्री। ठीक है, हाँ देखो बात ये कि फर्स्ट चैप्टर से उतना नहीं आता, फर्स्ट सेकंड से आता है। ठीक है, देखो आप भी चैप्टर से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है सिंपल सिंपल बनता है, ठीक है, वही जो बताया ना थ्री क्रॉस थ्री का पूछ देगा, या वर्ग आप भी पूछेगा, या कभी कभी तुमसे मल्टीप्लाई करने पूछ देगा, और थर्ड से क्या ही बनेगा। ठीक है, चैप्टर फोर से वही दो तीन तो पूछेगा मान निकालने वाला, बस और कुछ नहीं। ठीक है, ज्यादातर वन और टू से, तुम जब पेपर भी देखोगे तो उसमें वन और टू से ज्यादा आता है,
वन और टू से ज्यादा आता है, और बाकी सबसे मतलब एक दो आ जाता रहता है, ठीक है, मतलब इन सबसे हमेशा आया रहता है, ठीक है। तो किसी किसी को लग रहा होगा सर चैप्टर टू से बहुत ज्यादा आया है, हाँ चैप्टर टू से ज्यादा आया, मतलब हर एक सेट में चैप्टर टू से आया रहता है, हर एक सेट में चैप्टर वन से आया रहता है। तो चैप्टर वन और चैप्टर टू का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और चैप्टर थ्री में जितने सारे 50-60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुमको मिलेंगे बढ़िया बढ़िया उसको लगा लो, ठीक है, उसका चैप्टर नंबर फोर भी लगा लो, ठीक ना। चलो आते हैं अपने क्वेश्चन पे, देखो इसे सॉल्व करोगे तो लगाओगे साइन की प्रॉपर्टी, ये है माइनस तो यह जाएगा बाहर, ठीक है। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह सॉल्व करना है, ये नहीं कि पूरा एकदम लिख के एकदम सजा के नहीं करना है, शॉर्टकट में ही करना है। माइनस आएगा बाहर तो हो जाएगा साइन एक बटा दो, ठीक है बस। अब क्या बोलोगे कि साइन में कितने अंश का मान एक बटा दो, बताओ भैया, साइन में कितने अंश का मान एक बटा दो होता है, कौन बताएगा, है कोई माइक लाल जो बता दे, बताइए साइन में कितने अंश का मान एक बटा दो होगा। तो एक बटा दो है, साइन में कितने मान होगा, 30 अंश का होगा ना, तो बस लिखो 30 अंश, 30 अंश को भैया लिखते हैं पाई बाय 6, लो हो गया। अब जोड़ लो इसको, देखो पाई बाय 6 मतलब कितना, 30 अंश, और पाई बाय 3 मतलब कितना, 60 अंश, तो 30 60 90, लो अब कर लो। अब इतना तो पता ही होगा सर साइन 90 का मान 1 होता है, अगर इतना नहीं पता है तो क्या पता होगा, साइन 90 का मान कितना, साइन 90 का मान 1, 1 लिखो, ओ भैया आंसर। तो कुछ कुछ आ रहा है कि नहीं, कुछ कुछ तो आ रहा होगा ना, अब इतना तो नहीं तुम लोग गजनी बन के पूरा भूल गए होगे, ठीक है सर भूल गए। देखो इसलिए देखो हर एक चैप्टर का तुम्हें हर एक चैप्टर का लाइन से दिया जा रहा है कि उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरी, अति लघु सब करो, इतनी बार प्रैक्टिस कर लो कि यार क्वेश्चन देखते ही माइंड में उसका आंसर छप जाना चाहिए एकदम। और ये हम बार बार कहते हैं, जब पढ़ाते तब कहते हैं, तो इतना तो करो, ठीक है, कम से कम अगर तुम क्लास को देखोगे भी तो भी हल्का हल्का माइंड में रहेगा, ठीक है, तो उस चीज पर थोड़ा ध्यान देना। चलो ये बता, अब इस क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा, सिंपल क्वेश्चन है, देखो ये भी चैप्टर टू का ही है, ये देखो ये सब बोर्ड एग्जाम में आया, सब आया है, सब हर एक चैप्टर सेट में आया, हर सेट में आया था, किस सेट में एक खोया, किस सेट में दो ठो आ गया है, ठीक है, इसलिए इसका ज्यादा लग रहा है। और तुम ये खुद सोच सकते हो कि चैप्टर थ्री से क्या ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, वही 8-10 बनेगा, तो 8-10 हम ले लिए, चैप्टर फोर से भी वही 8-10 बनता है, बस ये है कि तुम्हारे पास जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो, और कम से कम 3 से 4 बार प्रैक्टिस करना ना। चलो इसका आंसर बताओ, लिखा है सेक इनवर्स माइनस रूट टू का मान कितना होगा, मतलब सेक में कितने अंश का माइनस रूट टू होता है, तो बताओ सेक में अगर माइनस को बाहर करोगे तो कैसे होता है, तो पता है ना सेक में कॉस का फॉर्मूला होता है कि अगर इसको बाहर करेंगे, अगर लिखा है सेक इनवर्स माइनस में रूट टू, तो इसमें सर आता है पाई, पाई बाहर होता है तब जाके ये होता है प्लस, ठीक है, पता है ना ये पाई बाहर होके होता है प्लस। अब बता दो सेक में कितने अंश का मान रूट टू होगा, अब देखो बहुत लोग को सेक का मान नहीं होता है, तो मत करो कॉस में चेंज कर लो, इसको कॉस में चेंज करके फिर कर लो, जैसे बहुत लोग को सेक का मान निकालने में दिक्कत होता है, भैया सेक को कॉस में चेंज कर लो, अगर सेक को कॉस में चेंज करोगे तो उल्टा हो जाएगा। अब बता दो कॉस में कितने अंश का मान एक बटा रूट दो होता है, कॉस में कितने अंश का मान एक बटा रूट दो, 45 का भैया, ठीक है, तो लिखोगे पाई माइनस पाई बाई 4, आंसर कितना आ जाएगा 3π/4, आंसर कितना आ जाएगा 3π/4, लो आंसर कितना आ गया 3π/4, बस। ये बताओ लो एक क्वेश्चन पूछता है अभी से, ठीक है, कि यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित अवयव है, अगर ए और बी है, यदि ए और बी समान कोटि के सममित अवयव हैं तो ए बी माइनस बी एड कैसा अवयव होगा, ठीक है, देखो सबको पता है ना कि अगर सर मेरे पास कोई अवयव है, अगर उस अवयव का डैश किए और अगर वापस से वही अवयव आ गया, वापस से अगर वही अवयव आ गया तो बोलेंगे ये सममित अवयव है, और अगर एक अवयव लिए उसका डैश किए वापस से वही अवयव आया लेकिन आया अगर माइनस में तो बोलेंगे वो क्या विषम सममित अवयव है, समझे कि नहीं, कोई अवयव है उसका डैश करो अगर वापस से वही अवयव आ गया सेम टू सेम तो बोलते हैं सममित अवयव, एक अवयव लिए उसका डैश किए अगर वही अवयव सेम टू सेम आया बट आया माइनस में, मतलब माइनस कॉमन करने के बाद
वही सेम टू सेम आता है, तो बोलते हैं विषम सममित अव्यय। तो हमारे पास अगर क्वेश्चन लिखा है कि भैया इस क्वेश्चन में पूछा है कि बताओ ए बी माइनस बी ए ये कैसा अव्यय है, हमको इसको पहचानना है, तो किसी अव्यय को सममित या विषम सममित पहचानने के लिए हमें करना पड़ेगा उसका डैश। तो करो उसका डैश, लिखोगे ए बी माइनस बी ए, ठीक है। अब देखो इसका कर दो डैश, अगर इसका कर देंगे डैश तो क्या हो जाएगा, यहां पे देखो ये जो डैश है ये दोनों के टोपी चढ़ जाएगा ऐसे। अब प्रॉपर्टी पता है ना कि अगर ए बी डैश है, अगर ए बी डैश है तो ये बी डैश इंटू ए डैश होता है माइनस ये क्या हो जाएगा ए डैश इंटू बी डैश हो जाएगा, इतना होगा। अब पता है क्या पता है भैया, देखो बोला कि ए और बी समान कोटि के सममित अव्यय है, अगर ए और बी सममित अव्यय है, सममित अव्यय होने का मतलब क्या कि ए डैश बराबर ए होगा और बी डैश बराबर बी होगा, तभी ना बोलेंगे कि ए और बी क्या है सममित अव्यय है। सममित अव्यय मतलब ए डैश बराबर ए बी डैश बराबर बी, बस रख दो यहां पे। अब देखो यहां पे कितना आ जाएगा बी ए माइनस में ए बी, तो इसमें क्या करोगे अगर माइनस कॉमन कर लोगे तो ये ए बी माइनस बी ए बन जाएगा। देखो वही सेम टू सेम बना कि नहीं, जो अव्यय था वही सेम टू सेम आ गया लेकिन आ गया माइनस में, तो क्या बोलोगे ये एक विषम सममित अव्यय होगा, ऐसे पहचानते हैं। और ये रटा होना चाहिए, अगर रहेगा माइनस तो बनेगा विषम सममित अव्यय, अगर रहेगा प्लस तो बनेगा विषम सममित अव्यय, सॉरी सममित अव्यय तब बनेगा, ठीक है। बट ये है कि तुम्हें सॉल्व करने का जो प्रोसेस है वो स्टेप बाय स्टेप वो चीज आनी भी चाहिए कि हाँ कैसे हो रहा है, ठीक है, तब जाके बेहतरीन तरीके से तुम चीजों को पढ़े हो, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करो तो एक बार चीजों को समझ के सॉल्व करो, दूसरी बार फिर सॉल्व करके ही समझो, ठीक है, और तीसरी चौथी बार में उस क्वेश्चन को शॉर्टकट में करो और उसका आंसर याद करने की कोशिश करो कि हाँ इसको करेंगे ऐसे ऐसे आ जाए, लेकिन कम से कम तुम्हें उसको दो बार तो सॉल्व करके करना है, आएगा तो भी नहीं आएगा तो भी तो सुबह सॉल्व करके ही करना पड़ेगा ना। देखो लिखा है ए बराबर कॉस अल्फा, फिर लिखा है मैंने साइन अल्फा कॉस अल्फा, और बोला है कि a प्लस ए डैश बराबर आई हो तो अल्फा का मान कितना होगा, ठीक है। तो बस करना कुछ नहीं भैया, a का मान रखो a डैश का मान लिखो उसको i के बराबर करो और सॉल्व करके बताओ कि अल्फा का मान कितना आएगा, ठीक है। सभी लोग एक बार सॉल्व करो, बताओ कि अल्फा का मान कितना आ जाएगा, ठीक है, किसी का कोई गलती नहीं होना चाहिए, सबका आंसर सही आना चाहिए, जल्दी से बता दो। देखो कितना आएगा बताओ, देखो अव्यय ए है ना, अव्यय ए तो सेम टू सेम रहेगा, अगर तुम बोलोगे अव्यय ए तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ठीक है, साइन अल्फा कॉस अल्फा, अव्यय ए सेम टू सेम रहेगा। देखो ए डैश है, ए डैश मतलब होता है परिवर्त, परिवर्त का मतलब क्या होता है सर, पंक्ति को बना दीजिए स्तंभ, पंक्ति को बना दीजिए स्तंभ, लो भैया पंक्ति को बना दे रहे स्तंभ बराबर कितना पे वन जीरो जीरो वन, बस हो गया। अब इसी को सॉल्व करो, अब बता दो भैया आंसर कितना आएगा, ठीक है। तो को प्लस करो, अगर प्लस करते तो पता है ना पहला वाला पहले प्लस होगा, तो यहाँ पर जाएगा टू कॉस अल्फा, ये जाएगा जीरो, ये जाएगा जीरो, ये जाएगा टू कॉस अल्फा, बराबर कितना होगा, बराबर होगा वन जीरो जीरो वन। अब कंपेयर कर लो, पहला वाला पहले से कंपेयर करो तो कितना होगा, टू कॉस अल्फा इक्वल टू सर हो जाएगा कितना वन, तो कॉस अल्फा का मान कितना हो जाएगा वन बाई टू। अब बता दो कॉस में कितने अंश का मान एक बटा दो होता है, कॉस में एक बटा दो होता है साठ अंश का मान, साठ का मतलब पाई बाई थ्री, साठ का मतलब पाई बाई थ्री, ऑप्शन नंबर बी। तो जिसका जिसका आंसर ऑप्शन बी था तुम लोग यार वेरी गुड हो, ठीक है, और जिसका जिसका आंसर गलत था वो उसको देख लो और तुम लोग भी वेरी गुड बन जाओ कम से कम, ठीक है, अच्छे से ना, दोबारा गलती नहीं होना चाहिए, एक बार गलती कर लिए कोई दिक्कत नहीं है, बस ये कि दोबारा गलती कर देना ठीक है वो भी सही है, लेकिन तीसरी चौथी बार गलती मत करना हीरो, बस एक बार हम बता दिए समझ लिए, एक बार तुम इसे खुद से सॉल्व करके देख लेना कि हाँ ऐसे सॉल्व करेंगे इसका आंसर ये आएगा, और अगर जहां तुम एक बार से कर लिए खुद से तो ये गारंटी कि तुम इसे कभी नहीं भूलोगे। बट ये कि तुम्हें उसके लिए अपना कॉपी खोलना पड़ेगा, रफ कॉपी खोलना पड़ेगा, पेन उठाना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा, तब जाके होगा ना।
चलो तो उम्मीद करेंगे करोगे बढ़िया से। चलो अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा। बोला है साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय थ्री, तो कॉस इनवर्स एक्स का मान कितना होगा बताओ फटाक से। गलती नहीं होना चाहिए, एकदम सही होना चाहिए, किसी का भी कोई गलती नहीं। ठीक बताओ कितना आंसर आएगा। अगर साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय थ्री तो कॉस इनवर्स एक्स का मान कितना आएगा। पाई बाय थ्री मतलब कितना 60 अंश, तो उसका आंसर कितना आ जाएगा 30 अंश। तो सही है, बोलो सही है कि नहीं। अगर सही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो हाँ सर सही है, चिपका दो एकदम कि हाँ सर सही है। और कैसे चिपकाओगे बता रहे, देखो ये फॉर्मूला पढ़े हो ना हीरो, कि साइन इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स एक्स बराबर में होता है पाई बाय टू, पता है ना। साइन इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई बाय टू। तो भैया अगर तुम इसका मान रख दोगे यहाँ पे, रख दो ना यहाँ पे पाई बाय थ्री प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय टू। ठीक है, तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि यार देखो इसको इसको जोड़ने पर 90 आता है, सोचो इसका मान जोड़ने पर 90 आता है, तो अगर ई पाई बाय थ्री है 60 अंश है तो ई कितना होगा 30 अंश होगा। ठीक है, ऐसे अपना कॉमन सेंस लगा के भी सोच सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, एलसीएम में करोगे पाई बाय सिक्स आएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो उम्मीद करेंगे देखो सबको समझ में आया होगा और सभी लोग क्वेश्चन लगाए होंगे। तो देखो ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं, और ये सब क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में ही आए थे जो कि हर बार रिपीट थे। ठीक है, अब जो जो रिपीट था उसको तो लिए नहीं दो बार, जो कि इसमें रिपीटेड क्वेश्चन था कि हाँ भैया ये तो दो बार आया था, ये इस बार भी आया अगली बार भी आया। ठीक है ना, तो उम्मीद करेंगे क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा और सबको क्वेश्चन ईजी भी लगा होगा और सभी लोग सारे क्वेश्चन का आंसर सही भी दिया होगा। ठीक है, और उम्मीद करेंगे इस बार तुम लोग बोर्ड एग्जाम में भी अच्छा स्कोर करोगे। और जितने भी बच्चों को देखो टारगेट है यार बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना, 95 लेके आना। ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि अब हम सर जी अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, चीजों को एकदम ढंग से पढ़ के बोर्ड एग्जाम में हम भी फोड़ना चाहते हैं, हम भी सारे का सारे क्वेश्चन का आंसर सही देना चाहते हैं। ठीक है, ये लास्ट टाइम है, ये आखिरी मौका है, इस आखिरी मौके को देखो जाने मत देना। ठीक है, देखो ये शिखर बैच 2.0 है। ठीक है, ये बैच देखो जस्ट अभी लॉन्च हुआ है। ठीक है, अभी हुआ है, इस बैच को तुम ज्वाइन कर सकते हो। इस बैच में देखो चैप्टर फर्स्ट से हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर फर्स्ट से पूरी कंप्लीट तैयारी करा जाएगी। यहाँ पे तो कोई भी तुम्हें किसी भी क्लास का मतलब कोई भी सब्जेक्ट का रिकॉर्डेड क्लास नहीं मिलेगा, हर एक सब्जेक्ट का डेली लाइव क्लास होगा। ठीक है, और लाइव डॉक क्लास होगा, और जितनी भी क्लास नोट्स होंगे उनका पीडीएफ दिया जाएगा कि यार तुम उन सबका अच्छे से नोट्स बना सको, जो तुम्हें रिविजन करने में बहुत कम आएगा। और जब तक तुम नोट्स नहीं बनाओगे तब तक तुम्हारी पढ़ाई बेकार है, जान लेना। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक फेयर कॉपी हर एक सब्जेक्ट की फेयर कॉपी होनी चाहिए और उसका प्रॉपर नोट्स होना चाहिए तुम्हारे पास अच्छी राइटिंग के साथ। ठीक है, अगर राइटिंग अच्छी नहीं है तो गंदी राइटिंग के साथ ही तुम्हें हर एक चैप्टर का पूरा टॉपिक पूरा नोट्स एकदम अच्छे से बना हुआ तुम्हारे पास होना चाहिए रखा हुआ, अगर तुम सच में पढ़ने वाले हो तो। इस बैच में तुम्हें देखो हर एक चीज मिलेगी, और जब सिलेबस कंप्लीट होगा तो तुम्हें सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर और पिछले 5 साल का पेपर सब करवाया जाएगा, सब दिया जाएगा। ठीक है, बट ये कि तुम्हें हमारे साथ पढ़ना पड़ेगा और डेली कम से कम जान लो तुम्हें 13 से 14 घंटे, मतलब 14 से 15 घंटे तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। अगर इतना तुम कर सकते हो ठीक है, तो तुम सोचो कि अब हम जो बैच ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी एकदम बेहतरीन कर सकते हैं और इस बार बोर्ड एग्जाम में 95+ लेकर आएंगे। ठीक है, और जुड़ जाओ हीरो। ठीक है, और मैथ में तो सब लोग लिखो टारगेट। ठीक है, मैथ में देखो टारगेट 96+ सब लोग छापो। ठीक है, इतना लिखो और तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में इतना आएगा भी, 96+ लिखो। ठीक है, ठीक है, देखो इतना हम इसलिए बोलते हैं ना कि कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है जो तुम लोग को डाउट होता है, नहीं आता है, तो उसमें लड़के बहुत ज्यादा हाइप हो जाते हैं ना, हाइपर कर यार अब क्या होगा अब क्या होगा। ठीक है, तो अगर तुम्हारा टारगेट अगर 96+ रहेगा ना, तो अगर तुम्हें एक दो क्वेश्चन नहीं आएगा तो उसको तुम हल्के में लोगे, चलो यार एक दो नहीं आ रहा, चलो दो नंबर छूट गया काम खत्म, कोई दिक्कत नहीं है, 96 तो मेरा सिक्योर एकदम है ना। ठीक है, उसके बाद अगर वो आएगा तो भी कर ले जाओगे, छोड़ना नहीं है लेकिन सब आएगा, बट इससे क्या होगा तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस रहता है, एक फीलिंग रहती है, चलो भैया इतना तो होगा, इतना तो लेके आएंगे। ये 100 तक भी जा सकता है, बट ये कि तुम्हें इतना अपनी कॉपी में लिखना है, और ये बता रहे जो लोग अपनी कॉपी में 96+ लिखेगा उसका 96+ आएगा। ठीक है, बट ये कि लिखने के बाद तुम्हें हर एक चैप्टर का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, भले तुम्हें वो चीज आए या ना आए।
हर एक क्वेश्चन को तुम्हें सोल्व करना है, रफ कॉपी में करो या फेयर कॉपी में करो, करना है और मेरे साथ करना है, ठीक है। और हम कहां करवाएंगे, शिखर बेस्ट 2.0 में, ठीक है। चलो तो उम्मीद करेंगे सबको समझ में आएगा, और वीडियो कैसा लगा सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और बता के जाना, ठीक है, मजा आया कि नहीं मजा आया। और नेक्स्ट क्लास में भी आना और थोड़ी चीजें पढ़ के आना, रिविजन करके आना, ठीक है, क्योंकि जब रिविजन करके आओगे, पढ़ के आओगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा, क्योंकि तुम्हें क्वेश्चन आएगा, नहीं आएगा तो मुंह बनाओगे, सबको देखोगे कमेंट बॉक्स में, केवल उल्टा सीधा कमेंट करोगे, सबका टाइम वेस्ट करोगे, अपना भी टाइम वेस्ट करोगे, मजा नहीं आएगा ना। और मोबाइल को सामने रख के सीधे पढ़ा करो, ठीक है। चलो तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक सबको बाय बाय, टाटा, सी यू, ठीक है।